इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ इडली। देखिए, यह है उड़द की दाल और चावल 2 कप। इसे ओवरनाइट भिगोने के लिए छोड़ देंगे और ये मैं कर चुकी हूँ ओवरनाइट। ये सोक कर लिया है पूरे वाटर को। अब इसको मिक्सचर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए, ये मैंने सारे का ही बनाऊंगी, इसी का बैटर तैयार करूंगी। ये बैटर बहुत ही एकदम मिक्स हो जाएगा और थोड़ा दरदरा भी नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग डोसा बनाते हैं, इसी बैटर का डोसा भी बनता है, तो डोसा के लिए थोड़ा दरदरा रखना होगा और इडली के लिए एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए इसका। हाँ, थोड़ा थोड़ा वाटर यूज़ करेंगे, ज़्यादा वाटर नहीं देना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। मुझे नहीं इसको देखना चाहिए, थोड़ा पानी नहीं देंगे तो मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा। देखिए कितना स्मूथ है, सारे बना लेंगे और फिर इसमें जो है सीक्रेट इडली का वो है इनो। तो 2 इनो है, इसमें से कोई जो आपको पसंद है फ्लेवर वो डालिए। मुझे ज़्यादा ये पसंद आता है ग्रीन वाला, तो मैं ये डालती हूँ। 1 पैकेट ही इनफ है, तो दिक्कत नहीं है, 2 डालने का जरूरत भी नहीं है। 1 पीस मिला के इसमें मिक्स कीजिए धीरे धीरे, बहुत ही फ्लफी हो जाएगा। जब इनो डालते हैं ना बैटर में, तो ये काफ़ी फ्लफी लगता है और इसको फिर कवर करके ओवरनाइट और 1 दिन रखना होता है। जैसे रात भर भिगोया, सुबह में इसका बैटर बनाए और इसको दिन भर रख देंगे। 1/2 घंटा ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे, रख देंगे और फिर इसको फ्रीज़र में रख देंगे, जिससे ये ज़्यादा मतलब खट्टा या स्मेल ना आए। तो रात में हम लोग जो है इसको बना सकते हैं, मैंने इतना ही टाइम लगता है इसको फॉर्मेटिंग होने के लिए। आप फ्रिज में नहीं भी रख सकते हैं, नो मैटर, 2-3 घंटे के लिए बाहर छोड़ दीजिए, तो ये इसका टेक्सचर एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा। देखिए, मैं कवर कर दी हूँ और इसको मैं निकल दूँगी, रख दूँगी। और एक चीज़, नमक इसमें देना होगा, आप अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा। और फिर ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, नहीं तो ये इडली जो है चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं आसानी से। और एक एक करके, एक एक स्पून इसमें डालते जाएंगे, जितना आपको बनाना है आप उतने ही डाल, मतलब उतने में ही बनाइए प्लेट में। मैं सारा ही बना लूँगी, तो मैं सारा ही डाल रही हूँ। ये रही लास्ट, फिर हो जाएगी कंप्लीट। देखिए, इडली बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, बट खाने में उतना मज़ा है। और ये इसमें पानी देंगे, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है कुकर में, उतना ही देना है, 1/2 इंच 1 इंच जो भी देख लीजिए। ज़्यादा पानी होने से लास्ट वाला इडली अच्छा नहीं बनेगा, तो कम ही पानी डालेंगे स्टीम होने के लिए। स्टीम प्रेशर कुकर है, इसमें इसको डाल दिए और फिर कैप लगा दिए कुकर का और फिर कुछ देर वेट करेंगे। 5 मिनट में मेरे ख्याल से ये बन जाता है। अब मैं वेट कर रही हूँ इडली कब बन के तैयार हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये जो सीटी है या यहाँ से कुछ आवाज़ आएगी तो पता चलेगा। हाँ, फ्लेम जो है वो हाई नहीं रखना है, एकदम मीडियम से भी थोड़ा कम रखना है। ये इसमें आवाज़ आनी शुरू हो गई है, मैं तो डर ही गई थी, बट साउंड इज़ वेरी नाइस। करीबन कुकर का ढक्कन हटा दिए, अरे वाह, ये तो इडली बन गया है। 1, 2, 3, 4। अब इस होल्डिंग के द्वारा निकाल रहे हैं, जिससे मुझे कहीं पे भी गर्म लगने का डर नहीं है, कोई कपड़ों का यूज़ भी नहीं। ये अच्छा सिस्टम लगा,
और फिर सामान की रेसिपी है, मैं इसको भी दे दूँगी वीडियो। ये मैं सामान भी रेडी कर ली, थोड़ा गाढ़ा है क्योंकि ये ऐसे ही मेरे घर वालों को पसंद है, ये थोड़ा पतला होना चाहिए था, बट जो मेरे को पसंद है वही बादाम की चटनी के साथ और सॉस और इडली। ये आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच वाचिंग माय चैनल। और बादाम की चटनी जो है इसका जगह नारियल की चटनी भी बनती है, बट मुझे बादाम की चटनी के साथ इडली खाना पसंद है, इसलिए मैं अपने स्वाद अनुसार जो बनाई हूँ। आप लोग को अगर ये अच्छा लगता है तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, मज़े लीजिए। बाय, टेक केयर।